Everyone, welcome back to my channel, and you saw the title, you know what this video is about. So before diving into this, I just want to give you a small background on what happened, what did I do, aur phir uske consequences kya the, phir log kya keh rahe the, in a quick few seconds. So basically I posted this TikTok. You look like those BTS guys. Me? I don't think so. Let's try a look. अब ये टिकटॉक जो है, इट वॉज रिमूव्ड फॉर हरासमेंट एंड बुलिंग. फर्स्टली, ओ माय गॉड, जस्ट एक्सप्लेन मी वेयर इज हरासमेंट एंड बुलिंग इन दिस वीडियो. तो बेसिकली आई ऑल्सो पोस्टेड दैट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम से वो नहीं हटी. बट वो अब इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे लोगों ने इतनी ज़्यादा बकवास की मेरे कॉमेंट सेक्शन में. दे वर लिटरली लाइक, ओ माई गॉड, यू लुक लाइक अ स्वीपर. नंबर वन, आई नो आप किस अंदाज में स्वीपर बोल रहे थे. जो वो बंदा कहता है, जितनी वो मेहनत करता, जो भी करता, आप उसको लुकडाउन करें. और आपने जिस तरीके में मुझे वो कहा, द वे यू रोट इट एक्सप्लेन्ड अ लॉट. इफ यू वॉन्ट टू हेट ऑन समथिंग ना, तो यू कैन सिंपली जस्ट से के यार, के नहीं यार, यू डोंट लुक, बट पीपल स्टार्टेड टू से शिट. मुझे ऑनेस्टली, मैंने कॉमेंट्स पढ़े और आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिपीट दैम, बट इफ यू वॉन्ट टू चेक दोज कॉमेंट्स, अभी तो काफी लोगों ने खुद भी डिलीट कर दी क्योंकि उनकी रैगिंग हो रही थी खुद. अब खैर, व्हेन पीपल सॉ कि मेरी वीडियो रिमूव हो गई है, मुझे बैश कर रहे हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, पीपल एक्चुअली गॉट पिस्ड. एंड उन्होंने फिर जो BTS आर्मी है, उन सबकी बेइज्जती करना शुरू कर दी. जनरली एक इमेज जो है वो BTS वालों की हो गई, अगर एक मछली गंदी हो, ठीक है, तो पूरी तालाब को गंदा माना जाता है. कुछ जो BTS के लोग थे, उन्होंने स्टोरीज लगाना शुरू कर दी मेरे सपोर्ट में, विच आई लव देम फॉर. बट देयर इज अ बट इन दिस. आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिचुएशन को जब हाइप मिलने शुरू हुई, ट्विटर पे बहुत ज्यादा चली गई, बहुत ज्यादा लोगों ने स्टोरीज लगाना शुरू कर दी. तो पहले तो वो मेरे सपोर्ट में थे, बट जब उन्होंने देखते गए कि ओ, इसको अब और लोगों से सपोर्ट मिल रही है और BTS की वजह से इसको हाइप मिल रही है, ये क्लाउड चेस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने फिर स्टोरी चेंज कर ली. दे वर लाइक, ओ, अब वी डोंट सपोर्ट मुस्तफा बाबर बिकॉज वी अपोलोजाइज, बट ही इज डूइंग दिस फॉर क्लाउड. आई मीन, यू गाइज आर फकिंग अप विद माई मेंटल हेल्थ. ठीक है, यू गाइज आर सेइंग शिट, यू गाइज आर रिपोर्टिंग माई वीडियो फॉर हरासमेंट एंड बुलिंग, एंड यू गो ऑन ट्विटर. अभी जो मैं ट्वीट्स पढ़ने लगा हूँ, ठीक है, आप ये लोग देखें, मैंने काफी फिल्टर आउट किए हैं क्योंकि जो आई कुड नॉट एक्चुअली डाइजेस्ट. बेसिकली सारिम जो है, वी बोथ वर लाफिंग, हम ट्विटर देख रहे थे व्हेन आई वाज ट्रेंडिंग. तो उसने फिर मुझे सारी ट्वीट स्क्रीनशॉट की, उन्होंने मुझे भेजी, उसने कहा यार, read them out if you want to get over this thing now, if you want to get over these mean things, so laugh about it, take it in a lighter tone. So that's what I'm doing this for myself, I'm keeping myself happy. The first tweet is, the existence of Mustafa Babar simply sickens me, dash my dash, Mustafa Babar stop being a dash over a video. तारीफ भी की थी साथ में, अजीब रोंदू किस्म का इंसान. फक मुस्तफा बाबर, लाइक लिटरली द डेफिनेशन ऑफ ओके, वी डोंट वांट हिम इन पाकिस्तान. नो व्हाट, आई वाज लेजिट हैप्पी दैट मुस्तफा बाबर मेड अ BTS रिलेटेड पोस्ट, बिकॉज द वे BTS विल गेट मोर रिकॉग्निशन इन पाकिस्तान, बट डैम, देयर इज सो मच नेगेटिविटी आउट देयर, स्टॉप इट ऑलरेडी. या हाय डैश, साला मर जा तू, कीड़े पड़े तेरे मुंह में. वेट, व्हाई इज मुस्तफा बाबर ट्रेंडिंग? दिस इज ऑल आई सी ऑन माय टाइमलाइन राइट नाउ. ओके, द बर्गर्स लम्स एंड मुस्तफा बाबर रियली बी ट्रेंडिंग? आई वोंट कंसीडर मायसेल्फ बर्गर समवेयर इन द मिडिल, बट हां, मैं मारता हूं कुछ हद तक. कैन यू ऑल स्टॉप विद मुस्तफा बाबर एंड अलबाब बाजवा स्टफ? पेपर क्या आगे हो गए, शुरू हो गए एक साथ. This was not me. Pichha. Ek banda keh raha hai, who the fuck is Mustafa Babar? Google me. The hell is wrong with so many of you? Mustafa Babar clearly mentioned in his caption that he got DMs about how he looks like BTS, so he tried to dress up like them. What's wrong about it? Itna immature kachre ki tarah behave karte ho sab. Hi guys, I just wanted to say, let's not talk about Mustafa Babar. I saw his last vlog, he had the virus. Let's pray he recovers soon and end this fight. Mustafa Babar get well soon. Thank you so much. I am sorry, but this is so embarrassing. First, you guys rant about BTS not getting any attention from our influencers or actors when they give attention. By the way, Mustafa Babar was video was not harassment related at all. You guys hate them and ruin BTS and the whole fandom's image. True. Insta pe Mustafa Babar kitna ro raha hai, the fuck.
अबे बस कर जा, लाफिंग माय एस आउट लाउड, सब इसके संभाल रहे हैं, प्लीज डोंट कैंसिल मी, पर मुस्तफा बाबर कितना प्यारा है, आवाज भी अच्छी है। एक इसका रिप्लाई में क्यूट सा वाइट सा Boy, pyar hai, I think it was so fun. You all giving Mustafa Babar the attention, you guys should be giving to Butter. I think inka koi naya album aa raha hai, people canceling Mustafa Babar because of BTS. Yes, drag Mustafa Babar, now I love it. Acha, what did he ever do to you? Nothing, I just don't like him, you know me, I am a hater even when don't even know the drama happening, but I don't care, lol. Hate देखें आपस, hate. I'm not Mustafa Babar fan, but using your platform to hate on someone, especially with 100 other BTS fangirls abusing. Now please grow up and own up to your wrongdoings. Period. Who is Mustafa Babar? भाई तुम्हें पता है कौन है, बस करो पूछना कि कौन है वो. Okay. He got hate for absolutely nothing at all, but relax. This add tons of followers to Mustafa YouTube channel. Where are my followers? Come please. They got their exams cancelled so they can fight over BTS and Mustafa Babar. Wah! Why I want to hug Mustafa Babar? Am I okay or what? A hug for you. Please stop generalizing the fandom, you all. Hating, spamming on Mustafa Babar was unnecessary, but people have started hating BTS Army because it's so immature. I also saw the TikTok and it wasn't that bad. Please, I don't know what to say, but Army shouldn't do that to Mustafa Babar. I saw the comments and I was shocked, like, dude, why would you hate just for this? Mustafa Babar from TikTok, enjoy the clout you're getting and calm your titties, because without it, you are just irrelevant. Okay, let's just accept the fact that Mustafa Babar can't digest people not liking that TikTok. Apne opinion, apne paas. Jeb mein. By Momna Munir. Army just go and report the video Mustafa Babar posted on his Instagram account. Video will be removed. Then we can peacefully focus on Butter. Oh my god. Alright, so Mustafa Babar was bullied his entire childhood. Man's dealt with social anxiety and depression. And now that he's confident enough to express himself, some of you woke people unnecessarily hate on him. Cyberbullying is not funny. What does it take to be just a little kind? Thank you so much, Meerab. Mustafa Babar right now. Hum koi mandir ka ghanta hai ki koi bhi aake baja jaate hai. Mustafa Babar writing essays on his IG story, bro, nobody's reading that. Back it up. Excuse me. I was not writing the essays. People were, okay? Ek hai, oh, phadde on Paki Twitter over Mustafa Babar. Yes, cancel him. I don't even want to react to the cancel culture anymore. Anyway, I'm just done with the video. Theek hai, this was the video, guys. I hope you guys liked the video. Bye. Subscribe to my channel.